उज्जैन में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूल में तोड़फोड़ कर दी। स्कूल प्रबंधन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया, टीसी के एवज में रुपए लेने का आरोप लगाया। आपको बता दें, वाहनों में तोड़फोड़ कर पथराव भी किया और ये फुटेज सामने आया है जो आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है। दरअसल स्कूल प्रबंधन पर रिश्वत लेने का, भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। जब टीसी की मांग छात्रों ने की तो टीसी के बदले रिश्वत की मांग की। ज्यादा जानकारी लेंगे हम इस खबर पर। इंद्रेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। इंद्रेश, क्या है पूरा मामला, क्यों ये जो आरोप लगे हैं छात्रों की तरफ से स्कूल प्रबंधन पर, क्या इस पर प्रबंधन की तरफ से कोई अभी पुष्टि या कोई रिएक्शन आया है, छात्रों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन पर जो आरोप लगाए हैं उस पर स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि हमारे पास में फीस को लेकर कोई बात नहीं की गई। बात आई थी कि टीसी के लेकर कुछ पालक कुछ लोग आए थे जिसमें स्टूडेंट के माता पिता भी थे, तो उनको हमने ये कहा था कि नोटिस आप लेकर आ जाइए, हम आपको टीसी दे देते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये जो नोटिस वाली जो प्रक्रिया है, ये स्कूल की प्रक्रिया होती है जो हमारे स्कूल में नहीं सभी स्कूलों में होती है, तो उसी को लेकर जब हमने कहा तो उन्हीं के साथ में दो एक कार्यकर्ता थे एबीवीपी के, उसके बाद उन्होंने अपने अन्य साथियों को फोन करके बुलाया और अभद्रता शुरू कर दी और पथराव वगैरह और तोड़फोड़, जैसा कि सीसीटीवी वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने इस तरीके से तोड़फोड़ करी और पथराव किया है। वहीं पूरे इस मामले को लेकर पुलिस का ये कहना है कि अभी हमारे पास में किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं आई है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ नहीं आए, इस वजह से हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इंद्रेश, जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर जुड़ने के लिए।